उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की एक आम सभा अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरिद्वार में आयोजित हुई। आम सभा की अध्यक्षता संरक्षक संजय चोपड़ा ने की। मैनिफेस्टो तो यही था भाई साहब, यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा का सर पे खड़े 10-15 दिन बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हम सब अपने साथियों के साथ इसी चीज़ पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी हरिद्वार से यात्रा सुचारू रूप से चले, जिसमें कि यात्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ और यात्री के साथ भी कोई चीटिंग ना हो, कोई दिक्कत ना हो यात्री के साथ। इसी बात के लिए मीटिंग सबको बुलाई थी कि सब इकट्ठे होकर इस चीज़ में गवर्नमेंट को अपने सुझाव दें कि भाई हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जैसे 2-3 योजनाएं लगाई हैं कि ग्रीन कार्ड जब इतनी दूर बन रहा है, ऋषिकेश बन रहा है या यहाँ रोशनाबाद बन रहा है, अब यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत टाइम खर्च होता है, पूरा दिन लग जाता है एक ग्रीन कार्ड बनवाने में। सुबह जाके दे के आएगा, वहाँ से गाड़ी पास होगी, पता लगेगा शाम को देंगे, शाम को देंगे, कहेंगे जी कर ले जाना। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हरिद्वार में लोकल में कहीं ना कहीं ऐसे बैठाया जाए RI को जो यहाँ ग्रीन कार्ड बनाए, जो उनके नॉब है वो हम पूरे करेंगे। उसके लिए तो हम उनको ये नहीं कह रहे कि ये नॉब ख़त्म कर दीजिए आप, जो उनके नॉब हैं पूरे करेंगे, लेकिन सुविधा शहर में दे दें तो ज़्यादा अच्छा। और देखिए हरिद्वार में जो बाहर के जो मतलब ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं उन पर कोई ना कोई अंकुश ऐसा गवर्नमेंट सरकार लगाए जिससे कि हरिद्वार हमारे शहर की बदनामी ना हो। आज बॉम्बे में बैठा है ट्रैवल एजेंट, घर में बैठा हुआ है अपने, वो काम कर रहा है, हरिद्वार से गाड़ियाँ दे रहा है, कोई दिक्कत यात्री के साथ होती है तो यात्री बॉम्बे कहाँ पर उसको डील करेगा? बदनामी क्या लेगा कि हरिद्वार से मैं गाड़ी लेके गया था और मेरे साथ ये बात हो गई? तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को अंकुश लगाए जिससे कि उनके ऊपर एक अंकुश रहेगा कि भाई वो भी अगर हम काम करने को मना नहीं करते, सब स्वतंत्र हैं, काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई अंकुश तो होना चाहिए। इसके लिए क्या कोई ज्ञापन देंगे आप? ज्ञापन देंगे हम, हमने जो 24 तारीख को अब जो प्रशासन के साथ जो एक कार्यशाला कर रहे हैं उसमें हम ये सारे सुझाव देंगे उनको कि भी उन पर कोई ना कोई अंकुश लगाया जाए, ग्रीन कार्ड की समस्या हमारी हल करी जाए और यहाँ से यात्रा जो है सुचारू रूप से हरिद्वार से भी चले ऋषिकेश से। हमारा ये विरोध नहीं है कि ऋषिकेश से नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ऋषिकेश से भी यात्रा चले और हरिद्वार से भी चले। ठीक, हरिद्वार वाले ऋषिकेश ना भटकना पड़े, हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट को ऋषिकेश ना भटकना पड़े, हरिद्वार में भी उसको गाड़ी मिले ऋषिकेश से भी गाड़ी, जिस यात्री को हरिद्वार से जाना है वो हरिद्वार से जाए, जिसको ऋषिकेश से जाना है वो ऋषिकेश से जाए। देखिए हमारे 3 मुद्दों पर चर्चा हुई, इसमें एक तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है पैनिक बटन सिस्टम जो गाड़ियों में लगाया जा रहा है वो संभव नहीं है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि पैनिक बटन सिस्टम यहाँ पर लगाया ही नहीं जा सकता। और आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर 27 राज्यों के अंदर किसी ने भी, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हों चाहे तराई क्षेत्र के, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ कहीं भी इस टेक्नोलॉजी को किसी ने भी अपनाया नहीं है। और अगर कोई सरलीकरण गवर्नमेंट इसमें करना चाहती है तो उसमें टॉक करना चाहिए। जहाँ तक कि एक चारधाम यात्रा को किस प्रकार से हम बेहतर बनाएं, चारधाम यात्रा में तीर्थयात्री को खिंचाव किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर हो, इस ओर हमें काम करना चाहिए, ना कि मोटर व्यवसायियों का शोषण उत्पीड़न। यदि आप मोटर व्यवसायियों का उत्पीड़न शोषण करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ फिर आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि ये आंदोलनकारियों की भूमि है, यहाँ तो आंदोलन कण कण में है। तो अगर कोई बात अगर सरलीकरण करनी है तो अब तक तो ये बात हो जानी चाहिए थी। तो हमने सरकार से पूर्व में भी मांग की थी और अब भी हमारी एक सूत्रीय मांग है कि आप इसका जड़ से इलाज कर दें। इसका जड़ से इलाज जब ही हो सकता है जब आप चारधाम विकास समिति का गठन कर देंगे। चारधाम विकास समिति में आप टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन को अपना सदस्य बनाएं, आप प्रशासन को उसमें अपना सदस्य बनाएं, आप पर्यटन विभाग को उसमें सदस्य बनाएं, आप स्वास्थ्य विभाग को उसमें सदस्य बनाएं, आप RTO को उसमें सदस्य बनाएं, आप TI को उसमें सदस्य बनाएं। आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर चारधाम यात्रा के दौरान कितना जाम लगा रहता है, जो लोकल आदमी है वो खिसक के निकलता है। अगर यहाँ से अगर उसको हर की पौड़ी जाना है, अगर हर की पौड़ी का अमूमन 10 मिनट का रास्ता है तो उसे 1 घंटा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब काम अब हो जाने चाहिए जब चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले। तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई है और ये तय हुआ है कि 24 तारीख को हम लोग जो है एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें हमने तमाम अधिकारियों को आमंत्रित किया है और उन अधिकारियों के साथ में उनके पास गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, गवर्नमेंट की क्या योजना है, वो तमाम ट्रैवल व्यवसायियों को बताने का काम करेंगे। और हमारी जो समस्या है उन समस्याओं का निदान करने के लिए, जैसा भी ठाकुर साहब ने कहा, मैं उस चीज़ का स्वागत करता हूँ कि निश्चित रूप से पूर्व में भी जब उत्तर प्रदेश के टाइम पर हम चारधाम यात्रा चलाया करते थे, ग्रीन कार्ड की व्यवस्था एक कैंप लगाया जाता था, उस कैंप के माध्यम से की जाती थी। तो हम पुनः उस बात को दोहराना चाहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो है सेटिंग कैटिंग का फॉर्मूला अपनाया जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं मोटर व्यवसायी का ग्रीन कार्ड के नाम पर भी शोषण होता है, कहीं ना कहीं उससे जो है
पैसे मांगे जाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ये आरोप लगने तब बंद होंगे जब आप हरिद्वार क्षेत्र के अंदर कहीं ग्रीन कार्ड की व्यवस्था करा दें। तो इन सब बातों को लेकर आज हमारी चर्चा हुई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 24 तारीख की जो हमारी बैठक होगी, 24 तारीख की जो हमारी वर्कशॉप होगी, हम पुणे चारधाम यात्रा 2019 का आगाज करते हुए उसको कितना अच्छा बनाएं उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।